भाई यहाँ तो हर तरीके की क्वालिटी वाला पिल्ला है यार। चीता, पिटबुल, व्हाइट आइज वाला पिल्ला दिखा दे तुम्हें आज। पिटबुल वाले पिल्ले हैं, फाइट कर रहे हैं आपस में। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं चेचोपी के व्लॉग। तो गाइज अभी सुबह सुबह भाई ये दोनों आए थे मेरे पास। इन दोनों ने मेरे को बताया कि भाई पिटबुल और रोटविलर बैन हो चुके हैं। Yes, तो गाइज अगर यार पिटबुल रोटविलर बैन हो गए तो भाई हमारे पास तो रोटविलर का पिल्ला है पीकू। तो गाइज आप लोग जानते हैं भाई कितना सीधा कुत्ता है। बैन हो गया तो भाई हमारे तो जान सी निकल जाओगी यार सारों की। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पता नहीं क्यों कर रहे हैं बैन भाई। भाई ये जरूरी थोड़ी ना है, रोटविलर और पिटबुल के भी कुत्ते हैं, सारे के सारे पागल है। ऐसा तो जरूरी नहीं है यार, देख के करो ना, जो पागल है उन्हें पकड़ लो बस। बात तो सही है। तो किसी के भी पिल्ले को कुत्ते को पकड़ लोगे तो भाई के परिवार वाले का क्या होगा फिर, जिन्हें अपने इतने मन से पाल रखा, छोटा सा बच्चा पालना शुरू करा, इतना बड़ा हो गया और अब उन्हें उठा के ले जाओगे तो भाई ये गलत है यार, बहुत गलत है भाई। मैंने बहुत कोशिश करी थी भाई इनकी वाड़ों को पाड़ने की, बटना ये पटे नहीं बिल्कुल भी भाई। पूरा लोहा मजबूत ले रखा है हमारे दोस्तों ने तो भाई। यहाँ रखा था सुतली बम लेकिन फटा ही नहीं है। कुछ और इलाज करना पड़ेगा, पहले अब पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब बिना पूछे पाड़ दिया ना ये कहेगा कि भाई दिवाली की बात हुई थी, बाद में क्यों पाड़ दिया। काफी दिन हो गए भाई, अब तक हमारी गाड़ी ठीक ही नहीं हुई, ना एजेंसी वालों ने कोई रेस्पॉन्स दिया। तो अभी ना पापा की डायरेक्ट बात करवा देता हूँ। पापा मेरे को तो कह रहे थे भाई एजेंसी वालों को बात कर, नू कर दे, वो कर दे, ये कर दे। और जब एजेंसी वालों ने बात करी ना पापा के साथ आराम से, हमारी गाड़ी ठीक नहीं कर रही क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा काम क्यों करो तुम? जुमा पर की बात है, क्यों नहीं काम हो रहा? बस सुबह मम्मी उठ गई है भाई, सो के भाई, वो तो रोज ही उठती है यार। गाइस कोई बात नहीं। मम्मी ये बता, पटाखों की साफ सफाई करने में तुम्हें कितना टाइम लगा? घंटा। ये देखो भाई हमारे यहाँ जमीन कैसी हो गई है, पटाखे छुट छुट के। देखो ना अभी भाई दिवाली वाले दिन पूरा आतंक उठा रखा था। ये तो भाई भाग भाग के पटाखे पकड़े, गाइस शॉट को पकड़ा था, अनार को पकड़ा था, चक्री भी पकड़े था। इसका मुंह फट जाता अगर इसके मुंह में बम चला जाता, आग उग लग जाती, जल जाता। हमने ना इसे इस कमरे में बंद कर दिया था। अभी व्यू नहा के बिल्कुल रेडी हो गया, सोना बाबू बन गया, काला टिक्का भी लगा लिया है। व्यू ना घर पे रो रहा था, पता नहीं कहाँ जाने की सोच रहा है ये। अभी इससे ही पूछते हैं कहाँ जाएगा तू। यार ये गाड़ी भी खड़ी हुई है सामने, क्या पता इस गाड़ी के पास जाने की सोच रहे हो। हमारी गाड़ी तो भाई अभी तक ठीक नहीं हुई, कंपनी वालों ने थोड़ा उल्टा सीधा काम कर दिया। कह दिया कि तुम्हारी तो लाइट टूटी हुई है, सर्वेयर ने पास नहीं करी, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं वो। तो ना हमसे पैसे उतारने की सोच रहे हैं। व्यू ना गाड़ी के पास नहीं जा रहा, ये मंदिर में जाएगा। इसे पता है कि काली गाड़ी हमारी नहीं है, व्हाइट वाली जितनी भी गाड़ी है ना वो सारी इसे अपनी गाड़ी लगे। साहब ये तो अंदर ही जा रहा है मंदिर में, पक्का भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहा है ये। ओह भाग भी पड़ा यार ये तो। मंदिर में ना एक काम बढ़िया हो गया यार, मंदिर के चारों तरफ ना ट्रैक बन गया, अब सब घूम सकते हैं। इस मंदिर में ना भाई सांप भी निकलते रहे हैं, तो इसको अकेला छोड़ना ना खतरों से खाली नहीं है यहाँ। गाइस इसे पता है भाई अंदर भगवान जी है, तो अंदर ही कह रहा जाने के लिए, अंदर ही जाएगा। और व्यू के लिए बहुत प्यारा सा डॉग आ गया। व्यू कौन आ गया यो, देख कितना प्यारा डॉग है। आजा ओबे, दो है यहाँ तो, एक व्हाइट कलर का और एक गोल्डन कलर का, हमें प्यारे हैं। व्यू भाग रहा है भाई इन्हें पकड़ने के लिए। यो डर गया व्यू, डर गया यार। ओए भाग आ गया वो तेरे पीछे पीछे, व्हाइट वाला तो पूरा सुंदर लग रहा है यार। चलो गाइस इन्हें पकड़ के ना व्यू के पास छोड़ते हैं, और कहीं इनकी मां ना हो भाई, व्यू ने पकड़े हम वो हमारे ऊपर अटैक ही कर दे। फाइट ओबे ले थ्री, ओ भाई ये तो ऐसा लगा भाई पिटबुल वाले पिल्ले हैं, फाइट कर रहे हैं आपस में। ओए तगड़ी फाइट होगी यार। आजा तू आजा, गोल्डन वाला तो भाई तगड़ा लग रहा है मेरे को, फाइटर लग रहा पिल्ला। ओए गोल्डन ये रहा, वहां तो पिल्ले पिल्ले हैं। व्यू को तो गोल्डन वाला पसंद है, मेरे को व्हाइट वाला पसंद आया। ओ भाई यहाँ तो पिल्ले पिल्ले है भाई, व्यू के तो मजे आ गए। ओ मुंह तोड़ेगा क्या इसका? ओ मारने नहीं उसे, तो बेबी है वो, मारने नहीं उसे। हाँ इसकी आंखें देखो भाई, व्हाइट वाले की कितनी खतरनाक है। पकड़ के लाऊं? आंख देखो भाई इसकी कितनी व्हाइट है यार, प्योर व्हाइट आंख है इसकी तो। व्हाइट आइज वाला पिल्ला दिखा दिया तुम्हें आज मैंने, व्हाइट पिटबुल जैसा लग रहा है भाई ये तो। भाई वो चीते वाली नस्ल भी आ गया तो, ये तो बिल्कुल चीते जैसा है भाई। यहाँ तो हर तरीके की क्वालिटी वाला पिल्ला है यार, चीता, पिटबुल, रोटविलर, सारे तरीके के पिल्ले हैं यहाँ तो। ओ माय गॉड गाइस, पिल्लों का तो भाई भंडार है यहाँ पे, ये देख लो दो और आगे निकल गए। उन्होंने ना दोनों पिल्लों को पकड़ लिया। ओए ओए इनके सर बिड़ा रहा एक दूसरे में, मारने नहीं आया। ओए तू पागल है व्यू, मारते नहीं है उधर, वो पोटी कर रहा है बड़े कुत्ते की तरह। चलो आओ भगवान जी के दर्शन कराते हैं तुम्हें पहले। ये तो शुक्र है भाई हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे ना इसकी मम्मी आ गई थी, अगर हम इसके सामने उठाते या खेलते ना क्या पता काट लेती। काट भाई जब भी आई रहना कुतिया, तब उस पर भरोसा करना भाई, खतरों से खाली नहीं होता। तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। तुम्हारा नाम ही भूल गया था ये तो।
इसे साइकिल दिख गया, इसको साइकिल की सवारी करानी पड़ेगी। अबे चल घर, घर चलना पड़ेगा। गाइस अभी अपने पापा को देखकर रो रहा है यार। व्यू को सब्जी भी खरीदनी है। ले देख कौन सी सब्जी लेगा तू बता। क्या लेगा? मिर्च है। खा ले कर जा काम। अबे ओए मिर्च खा ले तो भाई। खा ले खा दी ले। अरे खा जा दादी। आ तोड़न दे ये फेंक दे नी मुंह में। ओ मिर्च खिला दी भाई। अभी मेरे साथ घूम का आया, बाबा के साथ चल पड़ा। अभी पता नहीं यार व्यू को कैसी जीत लग गई है, सबको लिटा रहा है। ये भी लेट गया, पीकू को भी लिटा दिया था, और अभी अपने आप भी लेट जाएगा। बैट भी लिटा रखा। लेट जाऊं मैं भी? अच्छा ठीक है, मेरे को भी लिटा दिया इसने। पीकू को कह रहा लेट। लेट गया पीकू। ओए मम्मी देख लो, अरे ये क्या उठा के लिया आया? ओए मैं ना उठता अब, आ गंदा अब तेरी। अभी खाना आ गया, खाना खाते हैं। खाने में आलू गोभी की सब्जी, मट्ठा और साथ में रोटी। अब लेट क्या, कोई ऐसे खा लूंगा खाना मैं? गाइस अभी अभी भाई एक पोपट हो गया, कॉपीराइट आ गया फिर से। क्या बात करता है यार? पता है किस पे के डांस पे आ गया यार, बताओ क्या सीन हो रहा है यार। ऑनलाइन एडिटिंग करके ना उस पार्ट को काट रहा हूँ अभी, क्योंकि अब की बार ना कोई रिस्क नहीं लेना है भाई। एडिटिंग इन प्रोसेस। और गाइस अभी बनने हैं भाई घर पे लड्डू, बनाए जा रहे हैं स्पेशल। किसके लिए? तेरे लिए। मैं लड्डू खाया नहीं करता। कितने बने कर दी? और ज्यादा लड्डू बनने हैं ना, तो इसलिए जा रहा हूँ भाई बुरा लेने के लिए। आप बेटा एक साथ स्कूटी पे जाओगे, कैसा लगेगा गाइस कमेंट करके बताओ। अभी ना हम जा रहे हैं भाई बैडमिंटन खेलने के लिए। वैसे हम बैडमिंटन नहीं बोलते थे इसको, पहले हम चिड़िया बल्ले बोलते थे। तो गाइस अभी भाई मेरे पास ये वाला बैट है, स्पेशल सा है। तो अभी टांग के ना रोला जमाते हैं अपने गाँव में। आज ना मैच करते हैं भाई इन लोगों के साथ, सिंगल सिंगल बैटिंग करते हैं। पहला मैच 100 रुपए का चैलेंज है गाइस। सट्टेबाजी चल गई है भाई, पैसा ही पैसा होगा अब तो, पैसा ही पैसा होगा। सट्टा खेलते हैं आज, मजाक कर रहा हूँ गाइस। ऐसा मैं काम कभी करा नहीं अपनी जिंदगी में ना। मस्त जोक मारा रे। पुराने जमाने की हेली थी गाइस यहाँ, बट अब तोड़ फोड़ दी गई है। और ये देख लो गेट पुराने जमाने का रखा गया है, ऊपर को हवादानी बनाई है और यहाँ को आने जाने का रास्ता। ब्रदर ये गेट क्यों नहीं हटवा रहे आप? वाह क्या सीन है। गेट फाइनली भाई पहुंच गए हैं स्टेडियम पे अपने। गाइस ये ना मेरा पुराना स्कूल है, यहाँ पे ना मैंने कोचिंग करी थी 10वीं क्लास में। यहाँ के जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने फ्री पढ़ाया था भाई। और ये क्या बात करता है यार? वो लग रहे प्रिंसिपल भी मेहनत कर रहे हैं भाई, चमके मेहनत चल रही जी पूरी। लग रहा जी सा, हाँ जी सा लग रहा जी पूरा। तो गाइस अभी करते हैं भाई खेल शुरू। भाई यार टीम चेंज कर दी, भाई साहब पहले में बेइज्जती कर दी यार, बर्बाद बता दिया। अब देखो क्या करेंगे इनके साथ। फाइनली पहला मैच जीत चुके हैं गाइस। कंट्रोल कैमरा चला रखा था तो अभी रिव्यू लिया जाएगा। रिव्यू फेल हो गया यार, पॉइंट हो गया इनका। जीत गए यार, मौज हो गया। तो थक बहुत गए थे, एक मैच हारना पड़ा जानबूझ के। कोई बात नहीं, बैठ कर आराम करते हैं।